जनजाति सुरक्षा मंच जिला खरगोन द्वारा तहसील झिरनिया तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जनजाति समाज के ऐसे लोग जो अपना स्वधर्म छोड़कर दूसरे धर्म अपना चुके हैं और जनजाति समाज के आरक्षण का प्रशासनिक और राजनीतिक दोहरा लाभ ले रहे हैं, उनका आरक्षण समाप्त हो। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 341 में निहित कणिकाओं के प्रावधानों में स्पष्ट है कि जो अपने धर्म संस्कृति रीति रिवाज परंपरा छोड़ देता है उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के अनुच्छेद 342 में संशोधन कर धर्मांतरित जनजाति का आरक्षण समाप्त किया जाए। इस विषय को लेकर सभी प्रतिनिधि और निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा एवं निर्णय लिया गया है कि सभी तहसील केंद्रों पर तहसील निर्वाचन अधिकारी और तहसील स्तर के जनप्रतिनिधि सभी दलों के एवं मंडल स्तर के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे कि ऐसे धर्म परिवर्तन किए लोगों को चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। झिरनिया से सुखदीप भाटिया की रिपोर्ट। के हमारे जनजाति नेताओं ने 18 जनवरी 2010 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा ताई पाटिल को प्रत्यक्ष मिलकर एक ज्ञापन में 28 लाख लोगों के हस्ताक्षर सौंपे और जनजातियों के साथ हो रहे अन्याय की तरफ ध्यान दिलाते हुए केंद्र सरकार को संविधान राष्ट्रपति आदेश 1950 में समुचित संशोधन। संपूर्ण जनजाति समाज जागरूक हो गया है, अब संसद और न्यायपालिका के बाद अब एक अदालत जनता भी है। इसके लिए गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की भांति एक आंदोलन करने के लिए संपूर्ण जनजाति समाज खड़ा हो रहा है। रांची, भोपाल, जबलपुर, रायपुर जैसे स्थानों में विशाल जनजाति सम्मेलन, धरने, प्रदर्शन किए गए हैं। वर्ष 2009 में हमारी मांग के समर्थन में एक राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। के लिए बने आदेश के पैरा 3 में उपरोक्त अनुसार कानून स्पष्ट होने से अनुसूचित जातियों को संविधान में दिए गए हक का पूरा हिस्सा मिल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।